भारत के स्थलाकृतिक प्रदेशों में से एक, उत्तर के महान अथवा वृहत मैदान के बिंदु में, बिंदु के अंतर्गत इसके प्रादेशिक विभाजन में से कुछ प्रादेशिक इकाइयों का वर्णन आज करेंगे। प्रथम है ब्रह्मपुत्र बेसिन अथवा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसे हम असम प्रदेश या असम की घाटी के रूप में भी जानते हैं। यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित असम राज्य में पाया जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल की मिश्मी पहाड़ियों से निकलकर मैदानों में स्थित सदिया नामक स्थान पर पहुंचती है, तो उस सदिया स्थान से पश्चिमी असम में बांग्लादेश सीमा के निकट स्थित धुबरी, इस दो स्थानों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी कुल करीब 725 किलोमीटर की लंबाई में असम से बहती है। लेकिन इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत कम, यानी कि 80 किलोमीटर है, और 56,000 वर्ग किलोमीटर एरिया इस ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत आता है। इस प्रदेश की ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कि उत्तर पूर्व से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम में जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहाँ इन दो स्थानों, दो क्षेत्रों के बीच इनकी सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अत्यंत मंद ढाल, यानी कि 12 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर के होने से ब्रह्मपुत्र नदी जगह जगह बहुत सारी धाराओं में बट जाती है। इसको गुम्फित नदी कहते हैं, ब्रेडेड नदी, जिससे नदी के बीचों बीच, नदी की धाराओं के बीचों बीच बहुत सारे स्थानों पर कई द्वीपों का निर्माण हो गया है। इनमें से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी शामिल है। ब्रह्मपुत्र के उत्तरी और दक्षिणी किनारे के स्थलाकृतिक स्वरूप में काफी अंतर है। उत्तर से आने वाली सहायक नदियां जलोढ़ पंखों की एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं। जलोढ़ पंख जब कोई पर्वत से नदी बाहर निकलती है, तो मैदानी भाग में पहुंचते ही अपने निक्षेपों को डाल देती है, और वो एक गोलाकार आकृति में फैल जाते हैं, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। और जलोढ़ पंख जब ज़्यादा ऊंचाई लेने लगते हैं, तो फिर उसको जलोढ़ शंकु की आकृति आ जाती है। तो उत्तर से आने वाली जो सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र की है, वो जलोढ़ पंखों की एक श्रृंखला बनाती है, और इन जलोढ़ पंखों के आपस में मिलने से सहायक नदियों का स्वयं का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है, और नदी का मार्ग अवरुद्ध होने से गति धीमी हो जाती है। नदी विसर्प बनाकर बहने लगती है। ब्रह्मपुत्र नदी का खुद का जो तटबंध है, जिसे नेचुरल लेवी बोलते हैं, प्राकृतिक तटबंध, ये ऊंचा होने के कारण सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की उत्तर दिशा से आने वाली या दाएं किनारे से आने वाली सहायक नदियां मुख्य नदी अथवा ब्रह्मपुत्र में प्रवेश न करके उसके समानांतर चलने लगती हैं। इन कारकों से ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे की ओर गोखुर झील, दलदली क्षेत्र जिन्हें बिल भी कहा जाता है, तराई भूमियाँ आदि विकसित हो गई हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट की ओर की जो नदी घाटियाँ हैं, वो नदी ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिणी तट की ओर की घाटी अपेक्षाकृत कम चौड़ाई वाली है, लेकिन सहायक नदियों की संख्या काफ़ी है, और उनमें जल भी काफ़ी आता है। वो मेघालय के पठार से, जहाँ बारिश अच्छी खासी होती है, वहाँ से चल के आती हैं।
मुख्य नदियाँ जो मेघालय की तरफ से आती हैं, मेघालय के पठार की तरफ से, उनमें धनसिरी और कपिली नदियाँ शामिल हैं। इन नदियों के कारण होने वाले अपरदन ने मिकिर तथा रेंगमा पहाड़ियों को मुख्य मेघालय पठार से अलग थलग कर दिया है अपरदन के द्वारा। भूगर्भिक रूप से देखें तो ब्रह्मपुत्र बेसिन को ऊपरी असम शेल्फ तथा उत्तरी शिलोंग शेल्फ में बांटा जाता है। दो दो भाग हैं, ऊपरी असम शेल्फ, असम के ऊपरी भाग का जो एरिया है भूगर्भिक दृष्टि से उसको ऊपरी असम शेल्फ बोलते हैं, असम का पूर्वी हिस्सा, और असम का पश्चिमी हिस्सा जिसे शिलोंग या मेघालय के पठार से सटा हुआ जो एरिया, उसको उत्तरी शिलोंग शेल्फ के रूप में जाना जाता है। जो ऊपरी असम शेल्फ है उसके पूर्वी भाग में जो चट्टानें हैं उनको दिप्पम श्रेणी या ब्रेल समूह की चट्टानों में रखा जाता है, और इस ऊपरी असम शेल्फ की इन चट्टानों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के समृद्ध भंडार हैं। दूसरा प्रादेशिक इकाई है जो उत्तरी वृहत मैदानों की, वो है बंगाल का मैदान या बंगाल बेसिन। इस बेसिन में भारत का पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश दोनों आते हैं, बांग्लादेश का अधिकांश हिस्सा आ जाता है। इस प्रदेश की पूर्वी सीमा नागालैंड और लुशाई की पहाड़ियाँ जो मिजोरम की में हैं उनके द्वारा निर्धारित होती हैं, जबकि पश्चिमी सीमा बंगाल के पश्चिम की ओर स्थित जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो आर्कियन युग की चट्टानों से बना है, उनके द्वारा पश्चिमी सीमा का निर्माण होता है। यह बंगाल का बेसिन या बंगाल का मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों से मिलकर बना है। इस मैदान में गंगा का डेल्टा भी शामिल है। गंगा का डेल्टा जो निचला हिस्सा समुद्र में गिरने से पहले अब नदी अपना डेल्टा बनाती है, जिसकी दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में दूर तक चली गई है। निक्षेपों के कारण गंगा का जो डेल्टाई भाग है वो तेजी से बंगाल की खाड़ी में आगे की ओर बढ़ता गया है। इस बेसिन के पश्चिम में जो प्रायद्वीप के पठार से लगा है, वहाँ बेसिन की जलोढ़ चट्टानों की गहराई 900 मीटर है, जबकि पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भागों में 11 किलोमीटर तक गहरे निक्षेप पाए जाते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को पद्मा कहा जाता है। यहाँ इसकी बहुत सी वितरिकाएँ हैं, यानी कि जब नदी अपने अंतिम भाग में, अंतिम चरण में पहुँचने लगती है, तो इसकी बहुत सी उप शाखाएँ इसमें से निकलती हैं जिन्हें वितरिकाएँ, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। तो गंगा का, ब्रह्मपुत्र का जो ये डेल्टाई प्रदेश है बांग्लादेश में जो पाई जाती है, यहाँ वितरिकाओं का जाल पाया जाता है। उनके बीच में बहुत सारे द्वीपीय भाग बंगाल की खाड़ी में निर्मित हो गए हैं। सघन वन और दलदली क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं, और इस प्रदेश को सुंदरबन का डेल्टा नाम से जाना जाता है। दलदली दशाओं के कारण यहाँ पीट, जो कोयला निर्माण की प्रारंभिक दशा है, वो और कोयले की विकास की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। गंगा का मार्ग पूर्व की ओर विस्थापित हुआ है। पूर्व में गंगा बंगाल, पश्चिमी बंगाल राज्य से होकर बहती थी, लेकिन आज कल बंगाल में इसकी वितरिकाएं भागीरथी,
हुगली आदि ही रह गई हैं, और मुख्य नदी पूर्व की ओर बांग्लादेश में मेघना पद्मा नदी तंत्र से होकर अपना जल समुद्र में ले जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर 40,000 बिलियन घन मीटर अवसाद प्रतिवर्ष निक्षेपित करती है। इतना अवसाद विश्व की और कोई नदी तंत्र अपने साथ निक्षेप लाकर निक्षेपित नहीं करता है। उत्तरी मैदान की तीसरी प्रादेशिक इकाई गंगा का मैदान या गंगा का बेसिन है। इसका विस्तार पश्चिम में यमुना नदी से लेकर गंगा बेसिन का विस्तार यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा जो पश्चिमी बंगाल राज्य से लगी है वहाँ तक है, और इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर हो जाती है, जबकि औसत चौड़ाई करीब 300 किलोमीटर है। हिमालय की तराई क्षेत्र से प्रायद्वीपीय भारत के बीच 3.70 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। यह प्रदेश गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है, जिनमें यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, गंडक व कोसी आदि हैं। इस क्षेत्र में औसत ढाल प्रति किलोमीटर 15 सेंटीमीटर है। गंगा के मैदान के नीचे प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली भूमिगत कटकें या सकरी पहाड़ियां पाई जाती हैं। मैदान के पूर्वी भाग में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी विस्तार के रूप में मुंगेर, सहरसा, कटक तथा पश्चिमी सीमा बनाते हुए उसके मैदान के नीचे भूमिगत रूप से दिल्ली, हरिद्वार, कटक पाई जाती है। गंगा के मैदान को तीन स्थलाकृतिक इकाइयों में बांटते हैं। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी तथा दक्षिण में नदी यमुना नदी द्वारा, उत्तर में शिवालय की पहाड़ियों के द्वारा तथा पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर के बीच है। यहाँ मुख्य सहायक नदी यमुना, गोमती, घाघरा व राप्ती आदि हैं। शिवालिक की पहाड़ियों के निकट भाबर, दक्षिण में तराई, यमुना की सहायक चंबल नदी, चंबल के क्षेत्र में उत्खात यानी बेडलैंड्स, बीहड, चंबल के पाए जाते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती गंगा का मैदान। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार को राज्यों को शामिल किया जाता है। उत्तरी सीमा भारत और नेपाल की सीमा द्वारा बनती है। दक्षिणी सीमा छोटा नागपुर एवं भिंदे के पठारों के द्वारा निर्मित होती है। जलोढ़ की औसत मोटाई यहाँ 300 से करीब 1400 मीटर के बीच में है, और हिमालय के पास उत्तरी भाग में इसकी मोटाई बढ़कर 8 से 10 किलोमीटर हो जाती है। इस गंगा के इस मध्यवर्ती मैदान में कंकड़ अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। नदी के तटबंध गोखूर झील, ताल आदि यहाँ आमतौर पर दिखाई पड़ते हैं। गंगा के अतिरिक्त उसकी सहायक नदियों में गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी उत्तर की ओर से आती है, जबकि दक्षिण की ओर से आने वाली सोन मुख्य नदी है। गंगा बेसिन का तीसरा जो प्रदेश है उसे निम्न गंगा का मैदान कहा जाता है। इस मैदान को कई विद्वान गंगा के मैदान के एक हिस्से के रूप में गिनाते हैं, जबकि कई भूगर्भशास्त्री बंगाल के मैदान या बेसिन को अलग से गिनाते हैं। वस्तुतः यह बंगाल का मैदान या बेसिन
अन्य विद्वानों के अनुसार निम्न गंगा का मैदान ही है। गंगा के मैदान गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा यमुना नदी के द्वारा बनती है, जबकि गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा भारत बांग्लादेश सीमा के द्वारा निर्धारित होती है। ये गंगा का मैदान इन दो क्षेत्रों के बीच में स्थित है। ऊपरी गंगा का मैदान अपेक्षाकृत यमुना के उत्पत्ति क्षेत्र से लेकर और गंगा के ऊपरी मध्यवर्ती भाग तक स्थित है, जबकि मध्यवर्ती मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी प्रदेश जो गंगा के घाटी में स्थित है वो शामिल होते हैं। बंगाल का मैदान, जिसे कई विद्वान गंगा का निचला मैदान भी कहते हैं, ये गंगा पश्चिम से आने वाली गंगा और पूर्व से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बने उनके डेल्टाई प्रदेश और उनकी घाटी का क्षेत्र है। जो असम का जो मैदानी प्रदेश है वो ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बंगाल बांग्लादेश में, और गंगा का ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान यूपी या यूपी और बिहार में पाया जाता है।